फतेहपुर की इस वक्त की बड़ी खबर, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने कैंडल जलाकर हाथरस की बेटी को दी श्रद्धांजलि, दोषियों को फांसी दिला जाने की मांग, मुकेश द्विवेदी की देखें रिपोर्ट। हाथरस की बेटी के साथ में अन्याय हुआ था, बलात्कार हुआ था, उसके साथ में चार दरिंदों ने बलात्कार किया था, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए थे, उसकी जीभ काट ली गई थी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे। इस तरह का जघन्य अपराध अपराधियों ने किया था, इस तरह बलात्कार होते हैं। आए दिन हमारे देश में भ्रष्टाचार और महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। कहती थी सरकार कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा दे रहे थे, बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियां बाहर निकलती हैं, उनके माँ बाप दुखी रहते हैं कि कब बेटी हमारी सुरक्षित घर में वापस आएगी। जब बेटी सुरक्षित होकर वापस आती है तब माँ बाप के कलेजे में ठंडी सांस पड़ती है। इसी तरह आए दिन बेटियां लूटती रहेंगी, हत्यारे आजादी से घूमते रहेंगे। हमारी महिलाओं की, हमारी देश की महिलाओं से पुरजोर यही मांग करते हैं, अपील करते हैं देश की सरकार से कि देश की सरकार जाग जाए और हम महिलाओं को न्याय दे, ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को फांसी की सजा सुनाई जाए, उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए, ये हम पुरजोर मांग करते हैं सरकार।